हमारे संस्कार। जय श्री राम सभी भाई को, कैसे हैं आप लोग। आज चलिए चलते हैं जनकपुर, आ गए हैं पेट्रोल पंप में, अभी ले रहे हैं गाड़ी में तेल और हम लोग निकलेंगे फटाफट से यहाँ से। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको कैसे हम लोग जा रहे हैं, कहाँ से कैसे जाना है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो पूरा बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं, चलिए। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी मधुबनी और यहीं से हमको लेना है राइट। फाइनली गाइस हम लोग आ गए इंडिया नेपाल बॉर्डर पे और यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे ही है और फटाफट से हम लोग एंट्री करवाते हैं यहाँ पे और निकलते हैं। तो एंट्री हो गया डन, अभी हम लोग हैं नो मैन्स लैंड में, इंडिया बॉर्डर तो क्रॉस कर चुके हैं, अभी हम लोग आ गए नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर में हम लोग को एंट्री मिलेगा, इसके लिए परमिट लेना होगा। तो हम लोग रोकते हैं यहीं पे गाड़ी और चलते हैं जाके, क्या प्रोसेस है आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे नेपाल में पास लेने के लिए। और गाइस यहाँ आपको एक डिटेल बता दें, यहाँ पे एक छोटी पर्ची मिलती है और एक बड़ी पर्ची मिलती है जिसको भंसार बोलते हैं, हम लोग को छोटी पर्ची लेना है। तो फाइनली गाइस हम लोग को एंट्री मिल गया, छोटी पर्ची मिला हम लोग को 30 रुपये इंडियन में और यहाँ से हम लोग को ऑफिशियल तौर पे हम लोग एंटर कर सकते हैं नेपाल में। चलिए गाइस चलते हैं फटाफट से नेपाल और मिलते हैं आपको सीधा जनकपुर में। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं जनकपुर और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा बने रहिएगा, आपको पूरा दिखाते हैं, पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। अभी यहीं पे हम लोग आसपास ही कहीं गाड़ी पार्क करने का कोशिश करेंगे और चलेंगे आगे और दिखाएंगे आपको फिर। गाइस गाड़ी को कर दिया है पार्क और अभी हम लोग निकल गए हैं माँ सीता का दर्शन करने के लिए। सामने ही टेंपल दिख रहा है हम लोग को और वहीं पे चलेंगे और आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर एक्सप्लोर करके, चलिए। तो गाइस चलते हैं मंदिर के अंदर और चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर से आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध है ये। तो गाइस ये करीब लगभग 350 साल पुराना मंदिर है और जैसे कि आपका स्ट्रक्चर देख के नज़र आ रहा होगा कितना विशाल और कितना भयानक लग रहा है देखने में। गाइस यहाँ पे आने के बाद एकदम बिल्कुल दिल को तसल्ली हो गया और लग रहा है कि कहीं बहुत ही अच्छी जगह पर है। गाइज हम लोग को सौभाग्य से माँ सीता का दर्शन करने के लिए भी मिल रहा है और हम लोग चलते हैं मंदिर के टेंपल के अंदर और आपको भी दर्शन करवाते हैं, आइए। तो गाइस माता का हो गया दर्शन और चलते हैं हम लोग, देखते हैं एक्सप्लोर करके पूरा देखेंगे क्या यहाँ का खास है क्या है नहीं है।
तो गाइज आ गए हैं मंदिर के नीचे, और अभी चलिए हम लोग मंदिर के अंदर ही है, और इधर चलते हैं आपको दिखाते हैं इधर का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। और बहुत ही विशाल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है, कहीं भी भाई कोई ताजमहल से कम नहीं है हमारे माँ सीता का भवन। और बगल में ही हम लोग का जो यहाँ पे म्यूजियम है, और म्यूजियम में चलेंगे हम लोग, म्यूजियम में भी दिखाएंगे अगर क्या खास है यहाँ पे। और यहाँ पे 15 रुपये का टिकट है, और टिकट लेंगे हम लोग और चलेंगे अंदर म्यूजियम के अंदर, और पूरा दिखाते हैं अभी। अभी यहाँ पे जो भजन कीर्तन लगभग 24 घंटा और 365 दिन होते रहता है, तो वीडियो को अगर पूरा कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट में दिखाना चाह रहे हैं आप लोग को। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आओगे ना, सामने से अगर देखोगे तो फिर आपको दिख के ही आपको लगेगा कि भाई ताजमहल से कोई कम नहीं है यहाँ पे। चलिए गाइस हम लोग चलेंगे, अब आगे चलते हैं, इधर इधर साइड भी चलते हैं। और यहीं पे म्यूजियम है सामने इस वाले बिल्डिंग के जस्ट बगल में है, और वहाँ पे चलेंगे और दिखाएंगे आपको म्यूजियम। फाइनली गाइस टिकट ले लिए और चलते हैं अंदर। गाइस म्यूजियम में जितने भी ये फोटो दिख रहा है, ये सारे जो है जितने भी हैं, ये पुराने ज़माने के साधु संत महात्मा है। और यहाँ मिथिला पेंटिंग का भी लगा हुआ है, और ये वस्त्र वगैरह वगैरह जितना भी दिख रहा हो आपको, ये बहुत ही पुराना वस्त्र है, उस टाइम राजा महाराजाओं का था। और यहाँ पे कुछ सोने का मूर्ति वूर्ति भी रखा हुआ है, और यहाँ पे भी मिथिला पेंटिंग है दिख रहा होगा आपको। और ये सारे पुराने ज़माने के वस्त्र हैं, उस टाइम राजा महाराजा जो पहनते थे वही वस्त्र है इसमें। गाइज हम लोग आ गए हैं दूसरे बिल्डिंग में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राजा जनक जो है वो माँ सीता को गोद में लिए हुए हैं, वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा है इसमें। यहाँ पे जितने भी है ना उस टाइम के, उस टाइम जितने भी राजा जनक और माँ सीता का यहाँ बचपन व्यतीत हुआ था, तो ये सारे जितना भी है ना सबको दिखाने का प्रयास किया गया है इस म्यूजियम में। और यहाँ पे आप मतलब आपको यहाँ पे आके देख सकते हैं, और बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख के ही आपका जो है ना दिल प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ म्यूजियम के ऊपर में जस्ट छोटा सा शॉप है, यहाँ पे आप कुछ अगर मूर्ति वूर्ति कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लेके जा सकते हैं निशाने के तौर पे। गाइज यहाँ पे जो है जिस टाइम भगवान राम आए थे पहली बार, तो उनको दिखाने का प्रयास किया गया है, और मतलब पूरा संस्कृति से भरा हुआ और हिस्ट्री से भरा हुआ ये म्यूजियम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। तो गाइज हम लोग का लगभग म्यूजियम सारा कवर हो गया है, और चलते हैं हम लोग राजा जनक के मंदिर, और वहीं पे माँ सीता का शादी हुआ था। और चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या कैसा बना हुआ है, सारा कुछ दिखाते हैं आपको। गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा नेपाल का स्ट्रक्चर है, और यहीं पे राम भगवान का और माँ सीता का शादी हुआ था, और उस टाइम को दिखाने का प्रयास किया गया है। और इस साइड जो है राजा जनक बैठे हुए हैं, और इसे ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं, वो दिखाया गया है आपको। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं मंदिर से बाहर, और चलिए आपको दिखाते हैं राम मंदिर। यहाँ पे ही राम मंदिर है, और इसके अंदर शिव मंदिर भी है, और चलिए आपको पूरा दिखाते हैं। यहाँ शिव मंदिर है, और इसके जस्ट बगल पे ही है माँ सीता का कुल देवी देवता का मंदिर है, जहाँ माँ सीता आके यहाँ पे पूजा पाठ करती थी, जस्ट इसके बगल में ही है, और इसमें भी पूजा करती होगी। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, और जैसे कि स्ट्रक्चर देख के नजर आ रहा होगा आपको, करीब 300-400 साल पुराना ही दिख रहा है हमको। तो गाइस चलिए आगे, और यहाँ पे भी भगवान राम का दर्शन करते हैं और चलते हैं आगे, और माँ सीता का कुल देवी देवता को भी दिखाते हैं आपको। सामने
सामने आपको प्रतिमा दिख रहा होगा, माँ सीता और राम लक्ष्मण जी विराजमान है यहाँ पे, और हम लोग का पूजा कम्प्लीट हो गया है। और चलिए आपको दिखाते हैं आपको माँ सीता कुल देवी देवता। तो गाइस यहीं पे माँ सीता आके यहाँ पे पूजा पाठ किया करती थी, क्योंकि मतलब कुल देवी देवता का यहाँ पे ये मंदिर है। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से और दर्शन कर लिए हम लोग यहाँ पे भी, और चलिए आपको आगे का आप दिखाते हैं। आ चुके हैं गंगा सागर में, और यहाँ बस जस्ट बगल में ही है राजा जनक के मंदिर के जस्ट बगल में ही है ये, मतलब गंगा सागर है। और यहाँ मतलब बहुत ही फेमस प्लेस है ये भी, तो चलिए कर सकते हैं यहाँ भी शॉपिंग करने के लिए। छोटा मोटा दुकान है, ढेर सारा है, थोड़ा सा महंगा है बट, लेकिन जिसको भी पसंद है वो अपना ले सकता है, मिसाली तौर पर ले सकता है। अभी तो हम लोग होली से 2-3 दिन पहले आए थे, तो इस वजह से जितने भी है ना होली के सारा जितना भी कपड़ा वपड़ा है टंगा हुआ है। गाइस यहाँ मार्केट का कमी नहीं, पूरा मजाक है। और चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं उधर इधर इस साइड जितने भी कपड़े का शॉप, जूते का वगैरह वगैरह जितना भी चीज चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस हम लोग ऐसे ही मार्केट टहलने के लिए आ गए थे और देख रहे थे यहाँ पे क्या है, ज्वेलरी व्वेलरी का सारा शॉप है। और जो भी अपना टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, और यहाँ पे जिसको भी शॉपिंग वॉपिंग करना होता है वो बस जस्ट बगल में सब कुछ अवेलेबल है, तो यहाँ पे कर सकता है। गाइस हम लोग जस्ट बहुत घूम ही लिए और निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं हम लोग अब घर के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग मार्केट घूमने के बाद और माता का दर्शन पूजा वूजा पाठ करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।